नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी मेडिसिन वर्ल्ड चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर होने की क्या क्या कारण हो सकती है, इसका जो लक्षण आपको क्या क्या देखने को मिलती है, दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। बात करते हैं दोस्तों ब्रेन ट्यूमर के होने के कारण के बारे में। जैसे कि हमारा मस्तिष्क ट्यूमर तब विकसित होती है जब मस्तिष्क में आवश्यक कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ती है और बढ़ती ही जाती है, जिसे एक द्रव्यमान गांठ बनती है, जिसके कारण से आपका ब्रेन में जो ग्रंथियां होती है उसमें ज़्यादा प्रेशर आती है, तब अपना जो शरीर में डिसबैलेंस देखने को मिलती है। इस परिस्थिति में आपको जो ब्रेन ट्यूमर की समस्या देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों ये जो ब्रेन ट्यूमर की जो क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलती है, जो कि आपके लिए बेहद जानना जरूरी है। अगर आप ये सिम्टम्स को अनुभव कर रही हो तो अपने जरूर डॉक्टर से पहले से ही आप कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसका कुछ सिम्टम्स के बारे में। जैसे कि बार बार सिर दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है, सिर दर्द धीरे धीरे गंभीर हो सकती है, बिना किसी कारण उल्टी मतली की समस्या देखने को मिल सकती है। जैसे कि आँख में धुंधलेपन की समस्या देखने को मिल सकती है, दोहरेपन्ना जैसे समस्या आपको देखने को मिल सकती है, नींद की कमी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, दूर की नज़र कमज़ोर हो सकती है, शरीर का संतुलन बिगड़ सकती है, सुनने में आपको दिक्कत हो सकती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये थी इसका कुछ सिम्टम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी इसी तरह की कोई समस्या देखने को मिलती है तो अपने जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रेन ट्यूमर की एज के बारे में। जो ब्रेन ट्यूमर होती है वो कितने एज पे ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे तो सभी उम्र में ब्रेन ट्यूमर हो सकती है, जैसे कि ज़्यादातर 50 से 60 साल एज में ब्रेन ट्यूमर की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 1,00,000 लोगों में से 5 से 10 लोगों में ब्रेन ट्यूमर की जो डिजीज देखने को मिलती है। अगर हम ब्रेन ट्यूमर की डेथ रेशियो की बात करें, अगर किसी मरीज का उम्र 20 से 44 साल होती है उसका जो 82% चांस रहती है जिंदा रहने की, इसी तरह 45 से 54 साल उम्र में 69% चांस रहती है इसका ठीक होने में, इसी तरह अगर 55 से 64 साल की उम्र होती है तो इसका 15% चांस रहती है ठीक होने में। दोस्तों ये जो डेथ रेशियो, अगर आपका एज ज़्यादा होती है तो धीरे धीरे कम होती है। दोस्तों ये थी ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।